ओके वी हैव सीन दैट कि इफ uh, स्टेटमेंट क्या है और इफ स्टेटमेंट को हम कब किस लिए और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली भी जाना और प्रैक्टिकल भी देखा अब हम स्विच केसेस को देख रहे हैं जावा में और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हमें पता चलेंगी और साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी पता चलेगा -साथ जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है इंटरव्यू में कि दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन इसमें बेसिक डिफ्रेंसेज क्या हैं तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्विच केस क्या है उनके रूल्स क्या हैं और उसके बाद एट लास्ट उनके डिफ्रेंसेज जानेंगे सो देन जावा द स्विच स्टेटमेंट एक्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन यानी मल्टीपल कंडीशन है उन मल्टीपल कंडीशन में से एक ही चीज एक वक्त चलेगी इट इज लाइक इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट यानी जो एक के बाद एल्सिफ में मनाते रहते हैं बिल्कुल इसी तरह से होता है द स्विच स्टेटमेंट वर्क विद बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग इनम टाइप्स स्ट्रिंग एंड सम रैपर टाइप्स लाइक बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंटीजर सिंस जावा सेवन यू कैन यूज स्ट्रिंग इन द स्विच स्टेटमेंट एज वेल तो ये कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स के नाम लिखे हुए जिनको हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इक्वालिटीज़ क्या है वर्ड्स में और कुछ उसके रूल्स क्या हैं वो नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ़ द केसेस वैल्यूज़ फॉर स्विच एक्सप्रेशन एक के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्विच एक्सप्रेशन टाइप ऑनली द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कॉस्टेंट इट डजेंट अलाउ वेरिएबल तो वहाँ पर आप उन केसेस के नाम लिखेंगे वैल्यूज़ के लिटरल के जो आपके वेरिएबल के मुताबिक आ सकते हैं आप वेरिएबल नहीं लिख सकते वहाँ पर केस वैल्यू मज बी यूनिक इन केस ऑफ द डुप्लीकेट वैल्यू इट ट्रेंडर कंबाइल टाइम एर यानी ऐसा नहीं होगा कि मैंने केस वन और केस टू लिखा उसके बाद दोबारा केस टू लिख रहा हूं रिपीट नहीं कर सकता अपने केसेस को दि जावा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी अ टाइप ऑफ बाइट ये तो अभी हमने देख लिया कि इस तरह के टाइप हो सकते हैं ईच केच स्टेटमेंट कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल वैन कंट्रोल रीच टू द ब्रेक स्टेटमेंट इज जम्प टू द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस यानी हर एक केसेज के बाद हमें ब्रेक की वर्ड लगाना ज़रूरी है ताकि वो वहाँ पर टर्मिनेट हो सके अगर आपने केस वन के बाद नहीं लगाया और केस वन ट्रू हुआ तो वो टू की तरफ भी चला जाएगा यानी टू पर जो चीज़ें लिखी होंगी वो चीज़ें भी एग्जीक्यूट होंगी द केस वैल्यू हैव अ डिफॉल्ट लेबल विच इज़ ऑप्शनल ऑप्शनल है डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो डिफ़ॉल्ट वाले कंडीशन पे चला जाता है जिस तरह से अभी हमने इफ़ एल्स के अंदर देखा है कि लास्ट में हम एल्स लिखते हैं जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो वहां चला जाता है तो ये तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई पहले बनाते हैं उसके बाद फिर एल्फ और स्विच के दरमियान डिफ्रेंसेज भी देखेंगे इफ़ के दरमियान तो ये कुछ कोड है प्रीवियस वाला मैं इसको मल्टी लाइन पे कन्वर्ट करता हूँ और अब हम यहाँ पर स्विच केसेस को बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस करते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए और इसकी एक वैल्यू दे दी थ्री उसके बाद मैंने लिखा स्विच ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा जो भी आप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद उसकी बॉडी बना दी इस बॉडी के अंदर आप वो केसेस बनाओगे ठीक है केसेस से मुराद ये है कि ए की वैल्यू अगर वन होगी तो क्या होना चाहिए टू होगी तो क्या होना चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा केस वन कॉलन एंटर और यहाँ पे लिखा मैंने जो भी चीज़ तुम प्रिंट करवाना चाहते हो ठीक है तो मैंने इस लाइन को कॉपी किया पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने केस वन ठीक है इन पूरे केस को कॉपी किया कॉपी करने के बाद पेस्ट 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 तो इस वक्त आप देख रहे हैं डुप्लीकेट होते ही रन टाइम आ आ रहा है जो कि अभी हमने पीपीटी फाइल पे भी देखा तो मैं केस के नाम चेंज कर रहा हूँ तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने चार केसेस बनाए इन चारों केसेस के अंदर जो भी तुम टैक्स या विजुलाइजेशन चाहते हो वो आप बताओगे जिस तरह से अभी हमने इफ स्टेटमेंट देखा है या वेरिएबल्स डिक्लेरेशन वगैरह देखें आप केसेस के अंदर चाहें तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केस के अंदर स्विच स्टेटमेंट एक और भी बना सकते हैं यानी नेस्टेड स्विच भी आप कर सकते हैं तो इस वक्त आप देख रहे हो केस वन केस टू केस थ्री एंड केस फोर जबकि इंटीजर ए की वैल्यू थ्री है तो उसका मतलब है ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए मैंने एग्जीक्यूट किया आप देख रहे हैं थ्री एंड फोर क्यों आ रहा है क्योंकि हर एक केसेस के बाद ब्रेक होना चाहिए लेकिन यहाँ ब्रेक मौजूद नहीं है तो स्लाइड पर बताया गया था कि अगर नहीं होगा तो वो नीचे वाली चीज़ों को भी रीड कर लेगा तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हर केस के बाद आप ब्रेक लगाओगे यानी टर्मिनेट करोगे अपने स्टेटमेंट को तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया ठीक है और यहाँ पर भी इस्तेमाल किया तमाम केसेस को मैंने ब्रेक कर दिया अब जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे केस थ्री की ही चीज़ लिखी आ रही है उसके बाद फर्दर नहीं आ रही है उसके बाद डिफॉल्ट आता है डिफ़ॉल्ट की क्या जिम्मेदारी है अभी हमें समझ में आ जाएगा तो मैंने लिखा है यहाँ केस डिफॉल्ट और सॉरी नॉट दिस वन नॉट अ केस ओनली डिफॉल्ट लिखते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिफ़ॉल्ट। इट अब मैं वैल्यू यहाँ पर ऐसी करता हूँ जिसकी कंडीशन ना हो तो थर्टीन कर दिया वन टू थ्री फोर यानी ए की वैल्यू वन टू थ्री फोर है तो ये होगा और अगर इन चारों में से ना हो तो वो कहाँ पे जम कर जाएगा डिफ़ॉल्ट पे मैंने एग्जीक्यूट किया डिफॉल्ट लिखा है अब इसे मीनिंगफुल मैनर में समझने के लिए या कुछ कंडीशन वाइज अंडरस्टैंड करने के लिए मैं केस जितने हैं उनके दरम्यान तो आप देख रहे हो यहाँ पर सब पे लिखा हुआ ब्रेक लेकिन नॉर्मली स्लाइड uh, के मुताबिक भी हमने देखा कि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑप्शनल है आप इस्तेमाल करो या ना करो आपकी मर्जी है और अभी हमें देखा भी कि जब मैंने डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया था तो भी स्विच स्टेटमेंट चल रही थी अब इसके नीचे जो है वो ब्रेक मौजूद नहीं है और उसके बावजूद भी प्रोग्राम चल रहा है और अभी हमने देखा कि जब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो वो डिफ़ॉल्ट पे जाता है तो मैंने इस डिफ़ॉल्ट को यहाँ से उठाया और टॉप पर पेस्ट कर दिया ठीक है और अब आप कंडीशन यहाँ पर देख रहे हो कि ए की वैल्यू थर्टीन है ठीक है तो इसका मतलब है कि यही यही वाली चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए मैंने एग्जीक्यूट किया और जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप देखो डिफॉल्ट भी आ रहा है और उसके बाद केस वन भी आ रहा है क्यों हालांकि केस वन तो नहीं आना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन है ना आने की वजह क्या है कि आपने डिफॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं लिखा तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी केसेस बनाओगे या डिफॉल्ट बनाओगे सबके साथ आप ब्रेक लिखोगे लेकिन नॉर्मली जो यूजेज हैं हम ब्रेक को नॉर्मली लास्ट में लिखते हैं तो यही वजह उसके बाद ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन नॉर्मली इंटरव्यू में या क्विजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जानबूझकर डिफॉल्ट को ऊपर लिखा जाता है विदाउट ब्रेक और पूछा जाता है व्हाट विल बी द आउटपुट तो आपने देखा यहाँ पर वे, वे, वेरीफाई करके कि जब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा ब्रेक तो वो केस वन को भी रीड कर रहा है हालाँकि हमारी ए की वैल्यू वन है ही नहीं वो तो थर्टीन है तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखना है और समझना है कि स्विच के अंदर हर केसेस के बाद के के ब्रेक होना ऑप्शनल ज़रूर है लेकिन प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट से वर्किंग के रिस्पेक्ट से ब्रेक होना चाहिए ताकि एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट या एक केस डिस्प्ले हो सके अब उसके बाद नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है तो नेस्टेड के कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से इफ़ स्टेटमेंट के होते हैं मैं इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद एक और स्विच बना सकता हूँ एज लाइक दिस और ये रही उसकी बॉडी अब मैंने एक टॉप पर एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर बी इक्वल टू वन या थ्री और इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है यहां पर मैंने लिख दिया पी और अब मैं इसके लिए यहां पर डिफरेंट केसेस बनाऊंगा और वो यूज करूंगा जिस तरह से पूरे होल को हमने यहां पर यूज किया यानी ये ओवरऑल जितने केसेस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह से उसकी वर्किंग होगी जिस तरह से टॉप की हो रही है तो फुली ये बात क्लियर होगी कि स्विच स्टेटमेंट क्या है किस तरह से वो काम करती है केसेस क्या हैं डिफॉल्ट की क्या हैं ब्रेक क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं और नेस्ट्रेड किस तरह से चलेगा अब हम लास्ट में डिफ्रेंसिस uh, देख लेते हैं और डिफरेंसिस देखने के बाद आप बड़े आसानी से ये बात क्लियरिफाई कर पाएंगे कि हम कहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और कहाँ पर स्विच को यूज़ करेंगे तो इस डिफ्रेंसिस में सबसे पहले लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फॉर इक्वालिटी ओनली यानी हम स्विच को सिर्फ उस वक्त शो करते हैं या यूज़ कर पाते हैं जब हमारे पास इक्वालिटी होती है यानी ए की वैल्यू वन हो टू हो थ्री हो लेकिन इफ़ को अगर आप देखें तो हम वहां पर इस चीज़ को भी टेस्ट कर सकते हैं जहां पर इनइक्वालिटी हो यानी अगर ए ग्रेटर देन है लेस देन इक्वल टू डबल इक्वल टू ये सारी चीज़ें अभी प्रीवियस सेशन पे देखा है लेकिन केसेस पे ऐसा नहीं हो सकता यानी मैं ये नहीं कह सकता कि केस वन पे चेक करो कि ए की वैल्यू ग्रेटर है या लेस है मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्चुअल इक्वल वैल्यू बता सकता हूँ जो मैंने बताया अभी केस वन केस टू केस थ्री आप करैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप एक वक्त में एक ही करैक्टर बताओगे सेकंड में बताया जा रहा है ऑनली वन वैल्यूज स्टोर टू मैच अगेंस्ट ऑल केस लेबल यानी आप एक वक्त में एक ही वैल्यू बताओगे उसमें केस के अंदर एक से ज़्यादा नहीं बता सकते जबकि मल्टीपल एक्सप्रेशन कैन बी टेस्टेड फॉर ब्रांचिंग यानी अगर आपको याद हो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मैं लिख सकता हूं इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर लिखूं उसके बाद लिख दूं बी इज लेस देन इक्वल टू वन तो ये दोनों चीजें एक साथ टेस्ट हो सकती हैं एज लाइक दिस अगर मैं यहां पर लिख के दिखाऊं तो मैंने यहां लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन फाइव और उसके बाद मैंने यहां पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया और बी इज ग्रेटर दैन सिक्स लिख दिया वट और उसके बाद उसकी बॉडी बन गई लेकिन ये चीज़ हम केसेस पे नहीं बता सकते केस पे सिर्फ मैं ये लिखूंगा केस फाइव केस टेन या मैं केस सी लिख सकता हूँ करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं इनम यूज़ कर सकते हैं अभी हमने डेफिनेशन में देखा है ऐसा नहीं हो सकता थर्ड में बताया जा रहा है स्विच केस इज़ नॉट इफेक्टिव वैन चेकिंग फॉर आ रेंज वैल्यू जाहिर सी बात है रेंज वैल्यू चल रही होंगी इस तरह से तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा केस को उसके लिए जरूरी है कि हम इफ uh, स्टेटमेंट को यूज़ करें इफ इज़ द बेटर ऑप्शन टू चेक द रेंज स्विच केस कैन नॉट हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूजी बात है पॉइंट के साथ वैल्यूज़ आ रही होंगी तो मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता यानी मैं ऐसे नहीं लिख सकता केस 5.1, 5.2 ये कितना क्रिटिकल हो जाएगा इसको हैंडल करना लेकिन इफ के साथ मैं लिख सकता हूँ फ्लोट बी इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव पॉइंट इस तरह से लिखी जा सकती है तो इट कैन बी यूज़ फॉर द वेरिएबल एज वेल एंड द केस लेबल मस्ट बी और यानी या तो उसमें आप नंबर लिखोगे या करेक्टर लिखोगे किस में केसेस में लेकिन आप इफ स्टेटमेंट में फर्दर चीजें भी लिख सकते हैं लास्ट है स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड अ बेटर वे टू चेक अ वैल्यू अगेंस्ट अ नंबर ऑफ द कॉस्टेंट यानी कॉस्टेंट वैल्यू जब आप लिख रहे हो यानी केस वन टू थ्री इसमें आपका स्विच जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है लेकिन अगर यही काम मैं इफ के लिए करूं तो कितना क्रिटिकल हो जाएगा लेडर कितना बड़ा बन जाएगा कैसे मैंने लिखा इफ ए इक्वल टू वन फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव आप देखो कि हमारे इफ फैमिली लेडर कितनी बड़ी बन रही है तो ये प्रॉपरली इसके लिए नहीं है बल्कि इस कंडीशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे स्विच इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने करके भी देखा तो इस तरह से हमने एट लास्ट इस सेशन तक ये समझा कि स्विच केसेस क्या हैं किस तरह से वर्क करता है प्रोफेशनली हम उसे यूज़ कहाँ पर करेंगे और क्या डिफरेंसेस हैं एक सिंपल इफ़ फैमिली में और एक स्विच फैमिली में जहाँ पर आइधर आप नेस्टेड इस्तेमाल कर रहे हों या फिर आप फर्दर सिम्पलस्ट वे पर उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो जो कोड आपने नैडबिन पे किया है वही चीज़ आप यहाँ पर लाकर भी यूज़ कर सकते हैं आर में वो प्रॉपरली यहाँ पर रन हो जाएगा तो मैं सेम कोड को यहाँ से जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था ठीक है तो मैं नैस्ट वाली कंडीशन को हटा रहा हूँ मैंने कॉपी किया आर पर आया यहां पर आकर मैंने पेस्ट किया एंड आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम एंड आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिस तरह से चल रहा है तो फुल ये सारी बातें आपको क्लियर